सासाराम का बहुत ही भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। और ये वो पंडाल रोड में ही एक दुर्गा पंडाल बनता चलता है, ये आने वाले समय में जब डेकोरेट किया जाएगा। हेलो, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। फिलहाल हम सासाराम में हैं, अभी सासाराम स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ से चलेंगे सासाराम। क्या तैयारी चल रही है दुर्गा पूजा को लेकर, और कहाँ कहाँ पंडाल बन रहा है, और किस टाइप का पंडाल बन रहा है, क्या वहाँ का थीम है, सारे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा एंड तक, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से चलेंगे और देखेंगे आगे, थोड़ा ही आगे यहाँ से चलिएगा ना तो आपको तकिया मिल जाएगा आपको वहाँ पे, जहाँ पे केदारनाथ के थीम पे बनाया जा रहा है यहाँ पे दुर्गा पंडाल बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलते हैं पास से दिखाते हैं आपको। सामने देख रहे हैं, इसी में आपको बन रहा है, चलते हैं अंदर दिखाते हैं पूरा बढ़िया से। फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं सासाराम में, जहाँ पे बहुत ही भव्य केदारनाथ के तर्ज पे बनाया जा रहा है दुर्गा पंडाल। फिलहाल हम अभी शंकर कॉलेज के प्रांगण में हैं, जो ये ग्राउंड दिख रहा है शंकर कॉलेज उसी के ग्राउंड में बन रहा है, और यह स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए मेरे पीछे यही वो पंडाल, भव्य पंडाल बन रहा है। आपको चलते हैं पास से बैक कैमरा से दिखाते हैं, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको देते हैं। दिख रहा है ना गाइज, यही वो पंडाल है, और ये शंकर कॉलेज हाई कॉलेज है, और इसी के बगल में ये पंडाल देख रहे हैं, बहुत ही भव्य पंडाल। पीछे का बैकग्राउंड देखिए किस तरह से बदली किया हुआ है, बादल का देख लीजिए स्वरूप, और इस तरह से कॉम्बिनेशन देखिए, एकदम पहाड़ों वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। और जब ये तैयार होगा तो एकदम पहाड़ों के बीच में बसाया गया ये पंडाल होने वाला है। इस देखिए बादल का ये लोज कितना मस्त, मतलब दिख रहा है, देखिए कितना मतलब सफ़ेद एकदम वाइट क्लाउड है, और साथ ही ये सासाराम का बहुत ही भव्य पंडाल। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, ये तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है इस पंडाल को रेनोवेट करने के, बनाने के, सजाने के, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं। और यहाँ पे सामने दुर्गा माता के तस्वीर को देख लीजिए, तैयार किया जा रहा है, और ये वो पंडाल है, बहुत ही भव्य पंडाल, बहुत ही अट्रैक्टिव। और ये रहा ग्राउंड श्री शंकर कॉलेज का, देख रहे हैं ना गाइज कितना सारा बांस लगाया जाता है। और ये सामने देख लीजिए, बहुत ही भव्य लोकेशन होने वाला है, बहुत ही भव्य पंडाल होने वाला है दोस्तों। देख लीजिए इसमें कितना सारा बांस और कितना सारा मेहनत, और बहुत सारे कारीगर मिल के इसको तैयार करते हैं, तब जाके आपको दशहरा में कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये रहा वो ग्राउंड, बहुत धूप किया हुआ है आज, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है। और वो सामने मेन स्टेज है, जिसपे मूर्ति जी को रखा जाएगा, दुर्गा जी को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद तैयारी जोरों शोरों से, नीचे देख रहे हैं लोग लगे हुए हैं कारीगर। तो वो यही पंडाल है जो आपको केदारनाथ के तर्ज पे बनाया जा रहा है, सासाराम का सबसे बड़ा पंडाल यही होने वाला है, और बहुत ही भव्य तैयार हो रहा है, बहुत ही जोरों शोरों से कार्य चल रहा है, और बहुत ही जल्दी इसे तैयार कर दिया जाएगा, और फाइनली आपको दशहरा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप आइए और घूमिए यहाँ भी, साथ ही इसके बाद और भी जगह पे सासाराम में जो पंडाल बन रहा है उसे हम दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से दूसरे जगह पे और दिखाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कचहरी के तरफ से, यानी रेलवे स्टेशन से जब इधर आइएगा आप कचहरी के तरफ, तो ये पेट्रोल पम्प से इधर आपको इस रास्ते से फजलगंज जाना है, फजलगंज रोड में ही एक दुर्गा पंडाल बनता है। तो चलते हैं इससे आगे, दिखाते हैं वहाँ पर कैसा बन रहा है। ये रास्ता है दोस्तों, ये सामने दिख रहा है ना दोस्तों, यही फजलगंज का पंडाल है, और थीम तो पता वैसे नहीं चल रहा है, लेकिन चलते हैं पास से और जानने की कोशिश करते हैं लोगों से क्या थीम है इसका। तो दोस्तों देख रहे हैं ना किस तरह से यह भव्य पंडाल आपको जो दिख रहा है, ये फजलगंज का है, ये आने वाले समय में जब डेकोरेट किया जाएगा तो एक अलग ही लुक आपको देखने को मिलेगा। तो यही कुछ इस तरह का फजलगंज वाला पंडाल आपको देखने को मिल रहा होगा, कार्य प्रगति पर है इसका। तो दोस्तों यही फजलगंज वाला पंडाल है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं इसके बाद सासाराम में और कहाँ बन रहा है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी रोड से हम आगे चलेंगे, और रोजा रोड में जो बनता है दुर्गा पंडाल,
वो भी एक अलग ही उसका अट्रैक्शन रहता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या तैयारियां वहां का है। फिलहाल इधर शेरशाह सूरी मकबरा आप देख रहे हैं, तो यही शेरशाह सूरी मकबरा सामने। चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं इसके अंदर। नहीं, इसका वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। और चलते हैं फिलहाल दुर्गा पंडाल को देखने आगे। यही रौजा रोड है और सामने वो पंडाल। तो यहाँ पे जो पंडाल तैयार किया जाता है वो माँ भगवती कला संघ की तरफ से पंडाल यहाँ का तैयार कराया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं, सामने देख ही रहे हैं। यही दोस्तों वो पंडाल है जो आप देख रहे हैं, बहुत भव्य यहाँ का भी पंडाल आपको देख, बहुत भव्य यहाँ का भी पंडाल होने वाला है। रौजा रोड वाला ये पंडाल है और ये भी जब सजेगा ना तो बहुत ही भव्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इस रोड में रश रहता है, देख लीजिए, और बहुत ही भव्य होने वाला है ये पंडाल दोस्तों। कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो रहा है, अंदर में दुर्गा जी की प्रतिमा भी काम लगा हुआ है। और इस पंडाल का थीम भी कलकत्ता से लिया गया है, और कलकत्ता के लोगों ने बताया यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो, कि कलकत्ता के जो काली मंदिर है उसके थीम पर इसे बनाया जा रहा है, और जब तैयार होगा तो कुछ उसी तरह से दिखने को मिलेगा। और भी सासारा में बहुत सारे पंडाल बनाए जा रहे हैं, छोटे बड़े, तो देखिएगा आप लोग दशहरा में, घूमिएगा और जाइएगा देखिएगा। करण सराय रोड में यहाँ पे देख रहे हैं, और अड्डा रोड में करण सराय मोहल्ला है, वहाँ पे कुछ इस तरह का पंडाल बनाया जा रहा है। ये भी भव्य है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है अभी तक में, तो यहाँ भी आकर आप घूम सकते हैं। दशहरा में आपको अच्छा खासा भीड़ यहाँ भी देखने को मिलेगा, सासाराम के कुछ इस तरह का नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ वीडियो था, कैसा लगा कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।